नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 शेयर के बारे में जो आपको आगे चल करके बोनस शेयर दे सकता है। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि 5 टॉप शेयर्स बताइए जो कि आगे चल के बोनस दे सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो 5 शेयर जो आपको आगे संभावना है कि बोनस शेयर वो आपको दे सकता है अगर मार्केट नॉर्मल कंडीशन में आता है तब। मतलब जब तक शेयर के प्राइस में मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा तब तक आपको उस पर बोनस देना कंपनी उतना नेसेसरी नहीं समझता है, क्योंकि जब प्राइस काफ़ी हाई हो जाता है तो वो रिटेल इन्वेस्टर के मतलब बेनिफिट्स के लिए या कहीं शेयर होल्डर के बेनिफिट्स के लिए बोनस शेयर इश्यू करता है। तो ऐसे ही 5 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो आपको आगे चल करके बोनस शेयर दे सकता है। तो दोस्तों ये है टॉप 5 कंपनियों की लिस्ट, जिसमें पहला नंबर है रिलायंस। दोस्तों रिलायंस डेब्ट फ्री हो चुका है। बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं कि ये डेब्ट फ्री नहीं है, रिलायंस डेब्ट फ्री नहीं है। दोस्तों अब इसके पास 10,000-20,000 करोड़ का डेब्ट है तो वो कोई डेब्ट नहीं है, क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, बहुत बड़ा ग्रुप है और रिलायंस सबकी पेरेंट कंपनी है। आप रिलायंस जियो ले लीजिए, रिलायंस जियो का वैल्यूएशन है 5,00,000 करोड़ और रिलायंस रिटेल है, फिर उधर नेटवर्क 18 है, तो कई सारी कंपनियाँ हैं जिसका आप समझ सकते हैं ये पेरेंट कंपनी है रिलायंस। फिर आलोक इंडस्ट्री भी हो गया, तो कई सारी कंपनी देखिए, नेटवर्क 18, आलोक इंडस्ट्री, रिलायंस जियो जिसका वैल्यूएशन है 5,00,000 करोड़, उसके बाद रिलायंस रिटेल, आगे रिलायंस जियो का भी आईपीओ लाने का ऐसा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो उन सारी कंपनियों की ये पेरेंट कंपनी है और बिल्कुल एक तरह से ये वर्चुअली ये डेब्ट फ्री हो चुकी है, क्योंकि जितना फंड रेज किया है उससे रिलायंस के सारे डेब्ट खत्म हो जाएंगे। और भी नया नया अभी देख सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में आ रहा है, फिर रिलायंस रिटेल आएगा। तो इस तरह से कहें तो वर्चुअली डेब्ट फ्री हो चुकी है। ऐसे भी ये बहुत बड़ी ग्रुप है और सबकी पेरेंट कंपनी है, तो इस पे 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ डेब्ट होता है तो उससे बोनस इश्यू करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि ये बोनस इश्यू करने के लिए तो रिजर्व को यूज करेगा। रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है अगर हम बैलेंस शीट पर देखें, एक्चुअल में रिजर्व कितना है तो ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो बैलेंस शीट अभी हमको दिख रहा है वो है 4,26,00,000 करोड़ का। समझ सकते हैं इतना ज़्यादा रिजर्व कंपनी जब यूज करेगी तो क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देगी। तो इसलिए रिलायंस एक बेहतरीन कंपनी आगे चल के हो सकती है आपके बोनस शेयर इश्यू के लिए, साथ साथ ग्रोथ भी है। तो सिर्फ बोनस कभी नहीं देखना चाहिए, सिर्फ लोग बोनस देखते हैं, सिर्फ बोनस कि विप्रो बोनस देती है, विप्रो का हिस्ट्री है बोनस देने का, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हिस्ट्री वो रिपीट करता रहेगा, आगे भी हमें कुछ ना कुछ बोनस देता रहेगा। तो रिलायंस एक बेहतरीन कंपनी है जो आपको आगे चल करके बोनस शेयर दे सकती है। तो इस लिस्ट में दूसरा है इन्फोसिस। इन्फोसिस को इसलिए भी लिया है, आईटी सेक्टर जो कि हमारे इस पैंडेमिक सिचुएशन से कम प्रभावित होगा थोड़ा, साथ ही साथ इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी एक रेगुलर इंटरवल पे ये अपने शेयर होल्डर को बोनस देती है, साथ साथ इसमें आपको ग्रोथ भी देखने मिल सकता है, क्योंकि आगे जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स में एक बार फिर से हो सकता है कि बूम आए, क्योंकि हम जो है लगातार टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनियाँ आगे भी आपको जो है इम्प्रूव होती हुई दिखेगी, मतलब एक ग्रोथ इसमें देखने आपको मिल सकता है। तो वहीं दूसरा है TCS, आईटी सेक्टर की लीडिंग कंपनी। तो सबसे पहले हो गया TCS, दूसरा नंबर पे है इन्फोसिस। तो TCS भी लगातार मतलब इंटरवल पर अपने शेयर होल्डर को बोनस देती है, लेकिन इन्फोसिस से थोड़ा कम देती है। लेकिन अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन, ऐसे में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां आपको बंद होते हुए दिख सकती है, तो उसे हो सकता है कि TCS जैसी बड़ी कंपनियां ओवरटेक कर ले। तो जो छोटी छोटी कंपनियां, हो सकता है उसे कि ये सारी कंपनियां जो ब्लू चिप कंपनी जिसके पास काफ़ी रिजर्व है वो छोटी छोटी कंपनियों को ओवरटेक कर सकती है। तो ऐसे में इन सारी कंपनियों में आपको आगे भी ग्रोथ देखने मिल सकता है। तो जब ये रिजर्व यूज करेगा आपको क्या देगा, बोनस शेयर अपने शेयर होल्डर को। वहीं इस नंबर पर चौथे नंबर पर हमारा ITC। थोड़ा आईटीसी को लेकर के सबके मन में डाउट होता है कि क्योंकि ये कंपनियां जो है 2-3 साल से काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है अपने शेयर होल्डर को रिटर्न देने के मामले में, लेकिन आईटीसी में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न आगे देखने मिल सकता है। उसका कारण ये है कि आईटीसी लगातार FMCG सेक्टर पर फोकस कर रहा है, तो ऐसे में अगर इसके FMCG के प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में लीड करते हुए देखने मिलता है 1-2 प्रोडक्ट भी, तो फिर आईटीसी आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। और साथ ही साथ ये बोनस लगातार इंटरवल पर, बोनस जो ये कंपनी रेगुलर इंटरवल पर काफ़ी अच्छा बोनस दिया है, तो इसका रिकॉर्ड भी है इस कंपनी का लगातार इंटरवल पर अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर के रूप में गिफ्ट देने का, क्योंकि इस शेयर में मतलब इस शेयर होल्डर में जो आईटीसी का शेयर होल्डर है उसमें
कोई भी प्रमोटर्स नहीं है। तो इसके जो सारे मतलब जो शेयर होल्डर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि जब प्रमोटर्स होते हैं जो मेजोरिटी शेयर होल्डर में वो होते हैं, तो कंपनियां मुख्य रूप से उनके प्रॉफिट को ध्यान में रख करके बोनस शेयर देती है, डिविडेंड देती है। लेकिन ये कंपनियों में कोई प्रमोटर नहीं है, मतलब आप भी प्रमोटर हैं, हर कोई प्रमोटर है एक तरह से कहें, सारे शेयर होल्डर तो सारे पब्लिक शेयर होल्डर हैं। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनियाँ हैं ये सब के लिए, तो ये आगे चल करके आपको अच्छा डिविडेंड। अभी ITC में आप देख सकते हैं कि 10 रुपीज पर शेयर का यह डिविडेंड दिया, 1000% का डिविडेंड के रूप में रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन शेयर है, और 200 से कम रुपए का ये अभी शेयर चल रहा है, तो काफी बेहतरीन शेयर में से ये एक है। उसके बाद अगला जो हमारा शेयर है वह है SCL Tech। दोस्तों ये भी IT सेक्टर कंपनी है। इस SCL Tech को इस लिस्ट में लेने का मुख्य मकसद था कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, जो इंडियन मार्केट है, उस पर SCL Tech का पकड़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो ऐसे में ये कंपनियां भी अभी आपको इंडिया में, श्रीलंका में, इधर जो मालदीव है, इस सारे कंट्री में इसकी काफ़ी पकड़ मजबूत हुई है। तो ऐसे में ये कंपनियां भी आगे अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, और अपने शेयर होल्डर को ये भी रेगुलर इंटरवल पर बोनस शेयर देती है। इसलिए इस लिस्ट में हमने 5वें नंबर पर SCL Tech को लिया। साथ साथ यहाँ पर हमारा मन एक फार्मा कंपनी को भी लेने का कर रहा था कि अगर फार्मा कंपनी 2-3 साल तक परफॉर्म करती है काफ़ी बेहतरीन, तो जैसे आपको लुपिन हो गया, वो आपको बोनस शेयर दे सकता है। तो वैसे कई फार्मा कंपनी है जिसको मैंने एक वीडियो में कवर किया था, जो 5-6 फार्मा कंपनी है वो आपको आगे चल करके अच्छा बोनस शेयर इश्यू कर सकता है। मुख्य रूप से आपका जो फोकस होना चाहिए, अगर आप एक मल्टी बैगर रिटर्न लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, अगर एक अच्छा मतलब वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट पर, आपका जो ध्यान होना चाहिए वो ग्रोथ पर होना चाहिए। अगर आप ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो निश्चित है कि आप एक मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त करेंगे। तो जब भी आप एक मल्टी बैगर रिटर्न चाहते हैं, तो आप मुख्य रूप से ग्रोथ पर फोकस करें। जब आप ग्रोथ पर फोकस करेंगे तभी आप एक मल्टी बैगर रिटर्न वहां से प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ, जिसमें आपको कई बेहतरीन शेयर आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए जय।